बच्चों यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अलंकार। अब हम रूपक अलंकार, उदाहरण अलंकार आदि का अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं रूपक अलंकार किसे कहते हैं। रूपक अलंकार जहाँ गुणों में अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान के भेद को समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात उनमें कोई तुलना नहीं की जाती है, उपमेय और उपमान को एक समान कर दिया जाता है, उपमान का उपमेय पर आरोप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, वाचक शब्द का लोप हो जाता है। जो उपमा शब्द उपमा अलंकार में हम वाचक शब्द का प्रयोग करते थे ना, सा समान सरिस्तों, हम यहाँ पर उसका लोप कर देते हैं। उपमेय का भी उपमान के साथ ही हम यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके उदाहरण। अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ पर अंबर को किसका रूप दे दिया गया है, पनघट का, मतलब समान नहीं बताया है, उसको बोल दिया है अंबर पनघट है, तारा घट है, तारे घड़े हैं, और उषा नागरी, उषा जो सुबह का समय होता है वह स्त्री है। तो यहाँ पर अंबर पनघट, तारा घट, उषा नागरी में उपमान एक ही हो गए। इनको योजक चिन्हों के द्वारा भी समझा सकते हैं हम। ये यहाँ पर ये जो लगे हुए हैं ये रूपक अलंकार में लगते हैं। चरण कमल बंदो हरदाई। अब यहाँ पर चरण को क्या कह दिया गया, सीधा कमल बोल दिया है, तो यहाँ पर कमल रूपी चरण, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो यहाँ पर चंद्र का सीधा आरोप खिलौना पर कर दिया गया है, चंद्र रूपी खिलौना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन, तो यहाँ पर उपमेय और उपमान का भेद समाप्त कर दिया है, यहाँ पर तुलना नहीं है, उसे सीधा बता दिया जाता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। अब बात करते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार की। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना की अभिव्यक्ति के लिए कुछ शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। कौन कौन से शब्द हैं वो, मनु, जनु, मानो, जानो, मनहु, निश्चय, प्रायः आदि। तो इन शब्दों का प्रयोग जब हमें कविता में दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की है, और वह कौन सा अलंकार है, वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे उपमा दी जाए। हम इसके देखते हैं। कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। कि उत्तरा के नेत्र जल से ऐसे भर गए कहते कहते जैसे कि हिम के कणों, बर्फ के कणों से मानो, यहाँ पर संभावना व्यक्त की है, पंकज नए, पंकज मतलब कमल के पुष्पों पर हिमकण व्याप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर जो उसके नेत्र हैं उसको पंकज बता दिए, लेकिन संभावना व्यक्त की है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द है, मानो प्रयोग में लिया गया है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, क्रोध के मारे तनु मतलब शरीर कांपने लगा, मानो, और ऐसा लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है हवा के जोर से सोता हुआ सागर उठा। जिस प्रकार हवा चलने से शांत सागर में लहरें उठने लगती है, तो यहाँ पर भी संभावना व्यक्त की गई है। तो ये कौन सा अलंकार है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। विरोधाभास अलंकार। विरोध धन आभास, दो शब्दों से ये मिला हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, वास्तविक विरोध नहीं होता है लेकिन फिर भी उसका एक आभास होता है, विरोध का आभास होता है लेकिन वहाँ पर विरोध नहीं होता है, तो वो कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कि इस अनुरागी मन की गति कोई नहीं जान सकता, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, यहाँ पर कृष्ण के रंग में जो डूबता है वह उज्ज्वल हो जाता है। लेकिन जब हम इसका अन्य अर्थ देखेंगे कि काले रंग में डूबकर उज्ज्वल कैसे होगा, काला ही होगा, तो विरोध नहीं है लेकिन विरोध का यहाँ पर आभास हो रहा है, तो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, सॉरी, तो कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। तो वो कहते हैं कि जो तंत्री नाद
कवित्त रस मतलब वीणा के स्वर में और कविता के रस में और संगीत के रस में जो डूबते हैं वो तर जाते हैं, और जो इनमें नहीं डूबते, जो इनके रस को नहीं समझते, वह डूब जाते हैं। तो यहाँ पर भी विरोध का आभास हो रहा है लेकिन विरोध नहीं है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कोई भी शीतल वाणी में आग लेके कैसे फिर सकता है, लेकिन हो सकता है उसकी आवाज़ में कुछ जादू हो, कुछ वो बोलना चाहता हो। तो यहाँ पर शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, विरोध दिखता है लेकिन विरोध नहीं है। तो ये कौन सा अलंकार होगा? ये विरोधाभास अलंकार होगा। उदाहरण अलंकार, जब एक बात कहकर उसकी पुष्टि हेतु दूसरा समान कथन कहा जाता है तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। इस अलंकार में देखो कौन कौन से शब्द होते हैं, ज्यों, जिमी, जैसे, यथा, वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहात को, बिना अवसर की बात तब फीकी लगती है। जिस प्रकार अगर युद्ध का वर्णन चल रहा है और वहाँ पर हम श्रृंगार की बात करेंगे तो यहाँ पर एक बात कहकर उसके उदाहरण स्वरूप दूसरी बात कही गई है और यहाँ पर जैसे शब्द का प्रयोग भी किया गया है। तो ये कौन सा अलंकार है? ये उदाहरण अलंकार है। सबे सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, कि जो सबल होता है, शक्तिशाली होता है, उसके सब सहायक होते हैं, सब सहायता करते हैं, लेकिन जो निर्बल होता है उसकी कोई सहायता नहीं करता है। तो यहाँ पर फिर उदाहरण दे दिया गया है, पवन जगावत आग ज्यों, ज्यों शब्द आ गया, उदाहरण अलंकार है। दीप ही देत बुझाए, कि जो पवन है वो आग को जगाती है लेकिन वह दीपक को बुझा भी सकती है। तो यहाँ पर ये उदाहरण अलंकार था। तो बच्चों अब अलंकार का टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है। अब हम आने वाले वीडियो में हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जना के पद्य भाग का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।